हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा ऑफिशियल तो हम लोग अभी बाहर गए थे बाहर गए और घूम कर आए गोलगप्पे खाए काफी चीज जो भी होता है अपना एंजॉय करके आए और तो बहुत दिन से पेंडिंग वीडियो था तो उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत ही खैरियत से और अच्छे होंगे आ, बहुत ही पेंडिंग बहुत ही दिन का पेंडिंग वीडियो है ये और लेकिन मैं आज बना रही हूँ इसको ये मेरा आज का सेकेंड वीडियो है इस, इस, ड्रेसिंग टेबल का टूर कि मैं अपना ड्रेसिंग टेबल कैसे रखती हूँ और मेरा ड्रेसिंग टेबल कैसा दिखता है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी वीडियो में और आज आज नहीं तो कल मॉर्निंग में ये वीडियो आएगा क्योंकि एक और वीडियो आने वाला है तो लेट्स बी कंटिन्यू विद द ड्रेसिंग टूर ऑफ माय ड्रेसिंग टेबल तो लेट्स गेट स्टार्टेड तो गायज़ मैं पहले आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरा ड्रेसिंग टेबल किस टाइप का दिखता है तो मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा देती हूँ जो फुल ड्रेसिंग टेबल लुक आप लोग को दिख जाए दिस इज़ माई ड्रेसिंग टेबल लुक तो गायज़ नीचे ऊपर लाइट भी लगा हुआ है एंड ऊपर तो, मैंने वो रखा है स्टीमर रखा है आफ्टर फेसियल और uh, कुछ भी अगर आपको स्टीम की ज़रूरत है आपकी स्किन को तो आप uh, कर सकते हो स्टीमर यूज़ कर सकते हो तो लेट्स गेट स्टार्टड विद द वीडियो वीडियो एंड हाउ आई पुट माई ड्रेसिंग टेबल आई विल शो यू तो पहले मैं दिखाऊँगी मैं बैंगल्स कैसे रखी हूँ इट्स uh, ला का बैंगल्स है ठीक है ला वाला बैंगल्स है लाइट ऑन कर दे रही हूँ ठीक है इसमें बैंगल्स रखने वाला है तो मैंने इसमें कुछ और भी नहीं रखा है एंड ऊपर के में मैंने वॉचेस रखे हैं वॉच है डी है अवनीत के अवनीत के एक डी बस यहाँ रखे हैं बाकी तो मैंने और दूसरे जगह रखा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ए का रिमोट रखा हुआ है जो कि रांची में आने के बाद मुझे ए की कोई वैसी ज़रूरत नहीं हुई और कुछ हेमापैथ ईयरबड्स रखा हुआ है क्योंकि ऊपर के में मुझे कुछ वैसा रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता देन आई विल कम विथ चूड़ी वाला सेक्शन सेकंड सेक्शन चूड़ी वाला सेक्शन जो ये बंद वाला सेक्शन है ओपन नहीं है ठीक है एंड इट्स अ लॉट्स ऑफ नेल पॉलिस कलेक्शन आया एंड जैसा कि मैं कोका को ग्लो लगाती हूँ uh, अपने बॉडी लोशन के लाइक बॉडी लोशन एंड ये आप देख सकते हो ये है नेल पेंट रिमूवर क्रीम वो जो होता है एंड सेकेंड कम्पार्ट हो चुका थर्ड भी हो गया फोर्थ में मैंने रखे कुछ ज्वेलरीज ज्वेलरीज uh, कुछ मैंने यहाँ रखे एंड किट्टी uh, वाला ब्रश हेलो किट्टी एंड मैं लेकमे का पिच मिल्क लगाती हूँ एज अ मॉइस्चराइजर तो आप लोग भी यूज कर सकते हो एंड कोलगेट रखी हूँ और फॉर रिमूवल चांदी का मैंने पहले कुछ पहले बहुत आप देखोगे अगर देखे होगे मेरे वीडियो को तो उसमें मैंने चांदी को साफ़ करने के लिए कॉलगेट का बताया था कॉलगेट को अगर रब करते हो तो चांदी बहुत ही नए तरह से चमक उठता है और मैं यूज़ करती हूँ मयूर का चंद प्योर सैंडल पाउडर ओके और इसमें ग्रीन वाले डब्बे में मैंने रख रखा है uh, क्या बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी और आज मैं आप लोग को एक वीडियो और शॉर्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको स्किन केयर रूटीन बताऊंगी ठीक है तो इस तरह से मैं ऊपर से नीचे तक आप लोग को दिखाती हूँ एंड ये वाला जो नीचे ये पहले हम ऊपर वाला ही दिखा देते देखें ये जो पूरा पार्ट है मेरे ड्रेसिंग टेबल के बंद दरवाजे के अंदर का पार्ट है ओके एंड uh, ये जो लाइट है इसको आप लगवा सकते हो दिस इज ऑप्शनल अगर आपको जरूरत हो तो लगवा सकते हो मैं काफी टाइम सोची थी लगवाऊंगी बट मैंने लगवाया नहीं एंड दिस इज द स्टीमर और ये मेरा रिंग लाइट जो खराब हो गया वो रखा हुआ है तो अब चलिए हम लोग नीचे की ओर चलते हैं नीचे मैंने रखा हुआ है ऐसे ऐसे तीन बॉक्सेस जो मैंने रखे हैं नीचे तो अभी मैं जा रही थी तो मेरा थोड़ा ये हो गया है लिपस्टिक वगैरह मैंने निकाला था ये बॉक्स है ये तीन बॉक्स है जो एक वहाँ वो खाली पड़ा है और ये है प्रेस्ड पिगमेंट प्लेट एस एफ आर का कलर जो आई शेडो कलरस है एंड स्विस ब्यूटी का मेरा वो है आ, लिप लाइनर एंड एज इज वेल जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि मैं यूज़ करती हूँ शुगर ब्रांड का लिपस्टिक जो दो कंटेनर में एक ये ओके और एक ये दो कंटेनर में मैं शुगर ब्रांड का है जिसमें मैच शेड है क्रायन है बहुत सारा है तो इस तरह से और कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ रूप मंत्रा ये ऑप्शनल है कभी मुझे ऐसा लगता है मेरा स्किन ज़्यादा ग्लोइंग नहीं लग रहा है तो मैं यूज़ करती हूँ चलिए अब चलते हैं साइडर में मैंने क्या क्या रख रखा है वो दिखाती हूँ एक बैग में मैंने पूरा वो रखा है बिंदी रखा हुआ है इसमें सिर्फ बिंदी ही है और सेकेंड साइड में मैंने ये रखा है ये भी हेलो किट्टी टाइप का ही है ये बॉक्स जिसमें मैं रबर रखती हूँ और ये मेरा सन ग्लास है जो मैं शादी के टाइम मुझे मिला था शादी के बाद और ये है चूड़ा सेट जो मेरे एनिवर्सरी में मैंने नोएडा में खरीदा था और ये बैग है जिसमें थोड़ा बहुत सिंदूर वगैरह फेस पाउडर वाला कॉम्पैक्ट वगैरह सब कुछ है और ये है ब्रश जो हम आई शेडो वगैरह लगाते हैं लिपस्टिक लगाते हैं उसमें सारा ही ब्रश रखा हुआ है आई मीन टू से जो ब्राइडल किट होता है और ये सारा चीज इसमें ये वाला जो गोल्डन आप लोगों को दिख रहा है इसमें मेरा चूड़ी है और ये है मेरा शादी वाला सोकेस सोकेस नहीं कहते इसको इसको क्या बोलते हैं हम मतलब कॉस्मेटिक बॉक्स जो शादी में हर लड़की को मिलता है तो और ये है मेरा साइडर इसमें भी मैं ड्रेसिंग का ही पार्ट इसमें सिर्फ बैंगल्स रखती हूँ मैं और इसमें देखिए मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें बहुत सारा ड्रायर्स वगैरह खाली डब्बा वगैरह रखा हुआ है और इसके नीचे ऐसे रखा हुआ है मतलब मैं बॉक्स में ड्रायर और ड्रायर भी मेरा वो उस ब्रांड का है फिलिप्स का है एंड uh, ड्रायर के अलावा मैं क्या रखती हूँ uh, स्ट्रेटनर वो भी फिलिप्स का है और यहाँ देखा जाए तो मेरे भगवान जी हैं ठीक है आप लोग जो भी प्रेयर करना चाहते तो कर सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ मंदिर टाइप का है और काना लड्डू गोपाल भी है और मैंने यहाँ कर्टन भी लगा रखा है तो चलिए चलते हैं दूसरी ओर देखा जाए तो मैंने अपने रूम में एक साइड साइड रैक भी रखा है जो कंटेंट होता है उसमें मैंने बहुत सारा चीज रखा है जैसे जो बचा कुचा क्रीम होता है डीओ होता है डीओ होता है एयर पंप जो हम लोग बैलून फुलाते हैं ऑयल है ऐसे करके बहुत सारा चीजें बॉडी लोशन है अब यहाँ देखा जाए तो मशहूर हीना हर्बल मेहंदी भी रखा है मैंने वाव का मैंने एलोवेरा भी रखा है मैंने बहुत कुछ रखा है और ये है डीओ भी रखा है मैंने टेम्पटेशन का फिर आ, कौन सा है रैमसनस का डीओ परफ्यूम्स बहुत सारा चीज रखा है मैंने आ, ये रूम स्प्रे भी रखा हुआ है फ्यामा का बॉडी वॉश भी है वी एल सी सी का सॉरी विको टर्मरिक क्रीम भी है इज लाइक एवरी थिंग आई हैव एंड वंस अगेन द डिमांडेड वीडियो इज फॉर स्किन केयर सो इतना कुछ होने के बाद मैं कैसे आप लोग को बताऊँ कि मैं मेरा स्किन केयर क्या है बट इन शॉर्ट और बहुत ही नॉर्मल टाइप का स्किन केयर आई विल शेयर विथ यू बहुत ही जल्द और ये है पीच मिल्क मैं यूज़ करती हूँ एंड लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्शर भी है एंड मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ नॉर्मल ममा अर्थ का प्रोडक्ट जो बहुत ही हर्बल और बहुत ही अच्छा होता है एंड काया का भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ तो मैं काया और ममा अर्थ दोनों ही यूज़ करती हूँ तो इसका कोई ये नहीं है कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ तो दिस इज़ माई रैक एंड मैं वन सेकेंड अपना ड्रेसिंग वन सेकेंड मैं अपना ड्रेसिंग टेबल आप लोग को दिखाती हूँ तो यूँ मेरा ड्रेसिंग टेबल है जो मुझे काफ़ी पसंद आया था और काफ़ी मेरे व्यूअर्स को भी पसंद आता है मेरा ड्रेसिंग टेबल तो आ, काफ़ी लंबा वीडियो नहीं करूँगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेरा ड्रेसिंग टेबल व्यू आप लोग को कैसा लगा आई मीन टू से मेरा ड्रेसिंग टेबल का टूर आप लोग को कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलना आज के लिए बाय बाय कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ